हेलो दोस्तों, मैं संजय तिवारी आपका तिवारी स्टेट्स गार्डन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक फ्लावर का प्लांट लेकर के आया हूं, जो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। ये देखिए, ये अडेनियम है, इसका वनस्पतिक नाम है अडेनियम ओबेसम। गर्मियों में बहुत अच्छी तरह से ये खिलता है। अभी तो लास्ट सीजन आ रहा है, सितंबर खत्म होने वाला है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दूं। ये पहले फूलों से एकदम भरा हुआ लदा हुआ रहता था, जिसका मैं अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो डाल चुका हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसी पौधे का ये वीडियो क्लिप देखिए, जो 2 महीने पुराना है। इसमें कितने फ्लावर्स आए हुए हैं और कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ इस प्लांट के बारे में। इसके फूल प्राय 5 कलर में आते हैं, जैसे कि पिंक कलर में आता है, लाल कलर में आता है, व्हाइट कलर में आता है, ब्लू कलर में आता है और पीले कलर में आता है। लेकिन ज्यादातर ये लाल, गुलाबी और पीले कलर में पाया जाता है। ये 3 कलर बहुत ही आम है, उपलब्ध है। आप इसको सीड्स के द्वारा भी लगा सकते हैं, लेकिन काफी लंबा समय लगता है, और कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग वसंत ऋतु यानी फरवरी मार्च से लेकर पूरा गर्मी तक आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और इसका यही सीजन भी है फ्लावरिंग का। वसंत ऋतु के बाद में यानी फरवरी मार्च के बाद में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके हाइट 9 फीट तक जा सकते हैं, हर साल ये 3 फीट तक बढ़ता है। तो आप इसकी प्रूनिंग करते रहा करिए। इसके लिए मिट्टी जो है, आप दोमट मिट्टी यानी भुरभुरी मिट्टी बनाइए। इसके लिए विशेष सावधानी ये बरतने की जरूरत है कि इसमें पानी जो है ठहरना नहीं चाहिए। ऐसे पॉट में या ग्रो बैग में लगाइए और मिट्टी ऐसा तैयार करिए जिसमें से कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। अगर इसमें पानी ठहर गया तो इसके जड़ों में सड़न गलन हो सकता है, या जरूरत से ज्यादा अगर पानी आप दे देते हैं तो भी इसके जड़ों में गलन हो जाएगी और इसके पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी और ये प्लांट आपका सूख जाएगा। इसलिए इस बात का बहुत केयर करना है। गर्मियों में आप हफ्ते में 3 दिन तक इसकी वाटरिंग कर सकते हैं, और बाकी सर्दियों में हफ्ते में 1 दिन इसकी वाटरिंग किए चलेगा। इसके लिए मिट्टी आप 30% गार्डन सोयल ले लीजिए, 20% कोकोपीट ले लीजिए, 20% रिवर सैंड ले लीजिए, 20% गोबर का खाद ले लीजिए, और इसके बाद में आप रॉक फास्फेट उसके अंदर मिला करके, या फिर अगर आपके पास में इग सेल हो या बोन मिल हो तो उसको मिला करके आप इसका मिट्टी तैयार कर सकते हैं। मैं बोन मिल नहीं यूज करता हूँ, रॉक फॉस्फेट यूज करता हूँ इसकी जगह पर। तो आप भी उसको यूज कर सकते हैं। मिट्टी कैसे बनाना है ये मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसके लिए हल्की अम्लीय मिट्टी चाहिए। आज हम इसकी कटिंग कैसे लगाना है वो भी बताने जा रहे हैं। इसमें फर्टिलाइजर क्या देना है, इसके लिए फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आप बोन मील या एक्सेल दे सकते हैं, आप नॉनवेज है तो। अगर नॉनवेज नहीं है आप तो उसकी जगह रॉक फास्फेट यूज कर सकते हैं। और मिट्टी को अम्लीय बनाने के लिए क्या करना है कि ये हमारे पास चूना है, जो जैसे पान के दुकान पे आपको चूने की कली मिलती है, तो इस चूने को करीब आधी चम्मच ले लें, 1 लीटर पानी में डाल दें, और डाल करके हम इसको थोड़े देर के लिए अभी इसको ऐसे ही रख देंगे, और बाद में हम इसको मिट्टी के अंदर डाल देंगे। आपके मिट्टी का पीएच लेवल 5 से लेकर के 5.6 तक होना चाहिए। फर्टिलाइजर हम बनाएंगे, फर्टिलाइजर के लिए 3 चीज लिए हुए हैं। ये 1 साल पुराना गाय के गोबर का सड़ा हुआ खाद है, ये रॉक फॉस्फेट है, और ये नीम खली है। इस तीनों फर्टिलाइजर को मिला करके, और इसमें हम थोड़ा सा ट्राइको पावर है, ट्राइकोडर्मा का पाउडर है, ये थोड़ा सा मिलाएंगे और इस फर्टिलाइजर को हम अपने एडेनियम के प्लांट में देंगे। आप फर्टिलाइजर महीने में 1 बार दे सकते हैं इसके फ्लावरिंग के समय, और जब इसका फ्लावरिंग सीजन खत्म हो जाता है, सर्दियों में ये फ्लावरिंग देना बंद कर देता है, और ज्यादा सर्दी हो जाता है तो आप सर्दियों से भी बचाना है इसको, ये ज्यादा ठंड सहन नहीं कर पाता है, तो इसलिए इसको किसी शेड वाले एरिया में आप इसको शिफ्ट कर दीजिए सर्दियों में। और सर्दियों में वाटरिंग बहुत कम किया करिए, जब पूरा मिट्टी अच्छी तरह से ऊपर से सूख जाए तो इसके अंदर आप महीने में 1 बार इसमें पानी हल्का दीजिए, और थोड़ा सा मॉइस्चर बना करके रखिए, उतना ही पानी इसके अंदर देना है। ज्यादा वाटरिंग कर दिए तो फिर इसके जड़ों में सड़न गलन हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है इस पौधे को। इसलिए इस चीज का बहुत ही आपको केयर करने की आवश्यकता है। तो व्यूअर्स, जैसे कि फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर इसके लिए देना है,
ये हम एक साल पुराना गोबर का खाद ले लिए, इसमें हम नीम के फर्टिलाइजर को भी मिला लेते हैं तो ये फंगस से बचाएगा पौधों को और रॉक फॉस्फेट फॉस्फोरस की कमी को पूरा कर देगा। आप इसमें थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा पाउडर भी मिला सकते हैं मिक्स करके। अब ये हमारा फर्टिलाइजर रेडी हो गया है अप्लाई करने के लिए। उसके पहले अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए मिट्टी का, तो हमने गुड़ाई करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम चारों तरफ फैला देंगे। जब इसकी मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाएगी तो अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। व्यूअर्स, ये जहरीला होता है। जब भी आप इसकी प्रूनिंग या कटिंग करते हैं तो इसके कटिंग करने के बाद में जो पत्ते आते हैं उनको आप ऐसी जगह डाल दीजिए जो कि बच्चे और मवेशियों से दूर हो। मवेशी अगर इसके पत्ते और टहनियों को खा लेंगे तो उनको भी समस्या हो जाएगा। बच्चों से इस प्लांट को दूर रखें और ये बात का ध्यान रखें कि ये जहरीला होता है। जब भी कटिंग वगैरह करते हैं तो हाथ में ग्लव्स लगा लिया करिए और तब इसकी कटिंग या प्रूनिंग किया करिए। अभी हम इसकी कटिंग लगाने वाले हैं, तो कटिंग भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं, बरसात में लगा सकते हैं, ये सितंबर तक आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। सर्दियों में लगाना सही नहीं है। और फिर इसके बाद में जैसे मैंने कहा बसंत ऋतु से आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, बीज भी लगा सकते हैं, नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं। तो मैंने ये आपको बता दिया कि इसको केयर कैसे करना है। ये बहुत खूबसूरत फूल है। तो कटिंग लगाने के लिए ये देखिए, ये कोकोपीट है। कोकोपीट हम इसमें ज्यादा रखेंगे, 60% कोकोपीट रख लेंगे, 20% हम गार्डन सॉइल ले लेंगे, कम रखेंगे। कोकोपीट का मात्रा ज्यादा रखेंगे इसलिए कि कोकोपीट के अंदर अगर आप कटिंग या सीड्स लगाते हैं तो फंगस की समस्या नहीं होती है। थोड़ा सा हम इसमें रॉक फॉस्फेट डाल लेते हैं और थोड़ा सा हम इसमें नीम की खली भी डाल लेते हैं। जो हमारे पास ये फर्टिलाइजर बचे हुए थे इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और हल्का इसमें गोबर का खाद लेंगे। ज्यादा इसको फर्टिलाइज करने की जरूरत नहीं है इस मिट्टी को। इसको अभी हम मिक्स कर लेंगे। 60% का मात्रा होना चाहिए कोकोपीट का। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो साफ सुथरा तो आप रेत को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिट्टी में तो मैं इस्तेमाल करता हूँ कोकोपीट को और रेत को भी। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है, खाली रेत है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सीड्स लगाने के लिए ये रेडी हो चुका है। हम कटिंग लगाने के लिए मिट्टी तैयार कर लिए हैं। अब कटिंग को जब लगाना है तो आप एक कटर ले लीजिए, उस कटर को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और साफ करने के बाद में उसमें सैनिटाइजर लगा लीजिए और फिर जहाँ से कटिंग करना है, जैसे इसमें देखिए ये अनवांटेड है, नीचे से जो है इसमें से निकल रहे हैं ब्रांचेस, बहुत शराब, हमें इसे रखना नहीं है। ब्रांचेस को हम यहाँ से कट कर लेंगे सर्दियों के लास्ट में। इसकी एक बार हम कटिंग कर देंगे। इसकी ब्रांचेस ली हुई है, नीचे से थोड़ा सा इसको छील लीजिए। आप कट कर लीजिए। इसके अंदर हमने लिया हुआ है ये पीसेस एलोवेरा के। आपको पता होगा कि एलोवेरा रूटिंग हार्मोन का काम करता है। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप शहद ले सकते हैं, शहद में इसको डीप करके, और या फिर प्याज का रस निकाल लिए उसको भी इसमें लगा सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, और नहीं तो अगर आप चाहें तो ये जो पार्ट हमने छील करके रखा हुआ है इसको एक एलोवेरा के पत्ते में इस तरह से आप लगा करके, इस तरह से अंदर डाल करके और इसको हल्का होल करके मिट्टी के अंदर एलोवेरा के साथ में ही इसको मिट्टी के अंदर आप दबा सकते हैं। कुछ दिन तक इसको छांव में आप रहने दीजिए। अब जब देखिए कि इसके अंदर और भी ब्रांच निकलने लगे हैं या इसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तब इसको आप धूप में रखना शुरू करिए, लेकिन तब तक छांव में ही रखिए। इसमें आप चाहें तो इसको ऊपर से कवर भी कर सकते हैं पॉलिथीन से। इसमें थोड़ा सा वाटरिंग आप कर दीजिए।
अब इसको अम्लीय बनाने के लिए जैसे हमने इसमें चूना डाल के रखा हुआ था आधा चम्मच, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इस चूने को पानी के अंदर। से दूर इसको थोड़ा थोड़ा साल में एक बार चूने की पानी दे दें। आप कैल्शियम के चूने के अल्टरनेट में जैसे स्कूल में लिखने वाले चौक होते हैं, आप उस चौक का भी यूज कर सकते हैं। जोड़ों से दूर साइड में चौक को गाड़ दीजिए एक प्लांट के अंदर, अगर इतना बड़ा प्लांट है तो इसको दो चौक गाड़ दीजिए। सीडलिंग तैयार करते हैं तो इसको छोटे पॉट में लगाइए और बाद में आप 14x14 के पॉट में या फिर ग्रो बैग में आप इसको लगा सकते हैं। इसके अंदर फर्टिलाइजर आप इसमें पोल्ट्री मैन्योर्स भी दे सकते हैं, एक साल पुराना गाय का सड़ा हुआ गोबर का खाद भी दे सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, आप एनपीके 10, 30, 20 भी इसके अंदर दे सकते हैं। अगर 10, 20, 30 एनपीके अवेलेबल नहीं है तो आप एनपीके 19, 19, 19 दीजिए या 20, 20, 20 भी दे सकते हैं। महीने में एक बार लिक्विड उसका बना करके और इनके जड़ों में दीजिए। अगर इसके अंदर कोई कीट मकोड़े या कोई बग मिली बग्स वगैरह लगने लगती है आपको दिखाई देता है तो इसके ऊपर आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। प्राय हर घर में चावल बनाया जाता है तो जब चावल को धोते हैं तो चावल धोने के बाद में जो पानी बचता है वो भी एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है, उसको भी आप इनके जड़ों में दे सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लांट का केयर करिए, बहुत दिनों तक चलता है प्लांट अगर आप इसको ठीक से केयर करें। इसको जड़ों को सड़ने गलने से आप बचा करके रखें। जैसा मैंने बताया आपको सर्दियों के दिन में इसको बाहर ना रखें, इसको शेड में रखें। ये पौधा जो है ये मूलतः दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता था और अरबियन पेनिनसुला में यानी अरब के कंट्री में पाया जाता है। ये रेगिस्तान का पौधा है, इसको इसीलिए डिजर्ट रोज भी कहा जाता है। ये पौधा बहुत ही खूबसूरत है और ज्यादा इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सेंसिटिव है, थोड़ा सा इसको बचा करके रखना है। ज्यादा फर्टिलाइजर देने की भी कोई जरूरत नहीं है। जब फ्लावरिंग सीजन खत्म हो जाता है, जैसे अभी सर्दियों में फ्लावरिंग सीजन खत्म हो जाएगा तो आप 3 महीने में भी एक बार फर्टिलाइजर देंगे तो एनफ है, लेकिन जब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप महीने में एक बार इसको फर्टिलाइज करिए और फर्टिलाइजर में फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर इसको दिया करिए। यही था इसके प्लांट का केयर, मिट्टी कैसे तैयार करना है, फर्टिलाइजर क्या देना है। एक्सट्रीम लेवल की जब धूप हो जाती है तो सीधी धूप ज्यादा भी नहीं पड़ना चाहिए, 4 से 5 घंटे तक की धूप इसके लिए एनफ है, उतना धूप लग जाता है तो इसके लिए ठीक है। एक्सट्रीम गर्मी से भी बचाना है और सर्दियों के अंदर तो आप इसको रिमूव करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देना है छांव में, जहां की डायरेक्ट सर्दी ना पड़े। तो इस तरह से इस प्लांट को केयर करिए, मार्च से लेकर के सेप्टेम्बर तक इसकी फ्लोरिंग आती रहती है। यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको सही समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड हर तरह के वीडियो लाता हूँ, फ्रूट प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, फ्लावर प्लांट हो, मेडिसिनल प्लांट हो, हर तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ में बने रहें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।